बारो, ओ बारो, कहाँ हो? कुछ खाना वाना बनाओ, भूख लगी है। मिमी। अच्छा महाराज, क्या खाइयो? आदेश करो। अरे पारो, हम सोच रहे हैं नवरात खत्म हो गई है, दांत किटकिटा रहे हैं, मुर्गा बनाओ मुर्गा। अच्छे, पैसे तुम्हारे बाप रख के गए रहेंगे तुम्हारी अम्मा। अरे पारो, अत्ता जहर का है उगल रही हो, तुम्हारे पास खर्चे के पैसे नहीं बचे हैं का? पैसे का हमारे पास पेड़ में उगल थे। पारो गुस्सा ना करो, हमारे सैलरी नहीं आ रही है, वरना तुमका सारे पैसा दे देते। सैलरी? तुम कौन सी नौकरी कर रहे थे जो तुम्हारी सैलरी आई थी? अरे नौकरी न कर रहे तभी तो कह रहे सैलरी नहीं आ रही है। आ रही होता तो अपना सारा पैसा तुम्हारे नाम कर देते और तुमका रानी बना के रखते। रानी तो छोड़ो, तुम हमका नौकरानी बना के रखे हो। महाराजन की तरह ऑर्डर दे दो कि हमका मुर्गे खाने हैं। मैं फूटी कौड़ी नहीं हूँ, मुर्गे खाने की बात कर रहे थे। दिन भर लेटे लेटे बेसरमैन की तरह सोफा तोड़ा कर रहे थे, तो काम धाम तो ही नहीं। बेचारी हमारी अम्मा पैसा न भेजे थे तो तुम भूखे मर जाये तो। अरे तो पैसा भेज के कौन सा एहसान कर देते हैं? ये तो तुम्हारे साथ शादी करके जो हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है, उसका हर महीने हर्जाना भेजा था। अच्छा तुम्हारी जिंदगी खराब हुई है? खराब तो हमारी जिंदगी हुई है, वरना कॉलेज में तो हमारे पीछे लड़के मरत रहे, हमरी बुद्धि भ्रष्ट रही जो हम तुम्हारे ऊपर मर गए। कॉलेज में लड़के बिना मांगे नए नए कपड़े और पिज्जा बर्गर गिफ्ट कर रहे हैं। ये देख लो, पिज्जा बर्गर तो दूर की बात, 10 साल से नई साड़ी नहीं खरीद पाए। हाँ तो साड़ी अपनी अम्मा से बोलाओ दिलाए दे। भगवान कसम, तुम्हारे जैसा निर्लज्ज आदमी नहीं देखे। आदमी होके ससुराल के पैसे पे जिंदा हो, थोड़ी तो शर्म करो। का शर्म नहीं आवत है? कौन से जमाने में जी रही हो तुम? आदमी हन तो का ससुराल का पैसा खा नहीं सका सन। लड़की खाए ससुराल का पैसा तो संस्कारी, लड़का खाए तो हराम खोर। पर हम यूँ नहीं माना था, हमारे लिए लड़का लड़की एक समान है, हम दोनों में कोई भेद नहीं करा था। लड़की अगर ससुराल का पैसा खा सकते है तो लड़का भी खा सकते है। अरे मम्मी, लड़ाई लड़ाई माफ करो, खाने की टेबल साफ करो, भूख लगी है। भूख टेबल साफ करके क्या करें? अरे बाप से कहो सब्जी तो लेके आए। सब्जी? सब्जी देखो जाएगी, फ्रिज में रखी हुई है। अच्छा फ्रिज है, अलादीन का चिराग नहीं कि सब्जी मंगवा तो निकल आई है। आलू मटर, आलू टमाटर, आलू घुइया गोभी, भैया खा लो खा लो, आलू खा लो, प्याज खा लो, मटर खा लो, नींबू खा लो। आ जाओ भैया, जाओ देखो सब्जी वाला आ गया, सब्जी लेके आओ। अरे यो पल्लू बिहारी है, इनके पास सब्जी लगी बात तो पुराना उधार मांगे लगी है। हमको कुछ नहीं पता, 5 मिनट के अंदर सब्जी घर आ जाना चाहिए। अरे जा रहे हैं जा रहे हैं, दगो ना। आओ बिहारी, कहाँ हाल? हाल चाल सब बढ़िया है। आओ आओ, तुम्हारा इंतजार रहे। और बताओ पुराना उधार कब चुका रहे हो? अबे भगवान, मुँह धीन है तो कुछ अच्छी बातें कर लिया करो, लेकिन नहीं, हमका देखे वो बच्चे से उधार मांग लियो। ए ऐसा है, हमारे मालिक से इज्जत से बात करो। ए बिहारी, यू कौन सा छछुंदर का लेके घूम रहे हो? छछुंदर नहीं है, यू हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, इसका सब्जी बचाने के लिए रखे हैं। अबे तुम सिंगल हड्डी के कन खजूरे का सिक्योरिटी गार्ड रखे हो? रखना होता तो हमका रखते, एक परिंदा भी पर ना मार पीता। अबे तुम्हारे जैसे चोरन का अगर रखती तो दिन भर सब्जी बेचते हो और शाम का 4 नींबू घर लिए जाते हो, क्या फायदा रहे? अबे थोड़ा कम बोलो, नहीं तो यार लौकी देख रहे हो पिछवाड़न में डाल दबा। मैलू, अच्छा क्यों तुम आज कटहल नहीं लाए रहो? ये तो तुम तो निपट गए रहो। अबे ज्यादा बत्तीसी ना दिखा, मैं तो बत्तीसी तोड़ के बटन बनाया था बटन। अबे ज्यादा बकवास ना करो, चलो सब्जी दो सब्जी, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही हैं। अच्छा भाभी से याद आवा, भाभी कैसी हैं? दिखाई नहीं पड़ रही आजकल। भाभी एकदम बढ़िया है, तुम सब्जी दो। अच्छा सब्जी के लिए पैसे लाए हो? अबे तुम कर दियो ना छोटी बात, तुम सब्जी दो सब्जी, आज का और पिछले हफ्ते का उधार अगले हफ्ते देबा। नहीं हमरा तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम भाभी का भेजो, उनका सब्जी देबा। अच्छा उका उधार दे दो? हाँ हाँ, तुम भाभी जी का भेजो, हम उधार दे देबा। हाँ तब ठीक है। अरे भाभी जी नमस्ते नमस्ते, आओ बताओ क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है बल्लू। सुने तुम उधार सब्जी देने से मना कर रहे हो?
अरे भाभी जी, आपका थोड़ी ना मना कर रहे हैं, आपके चिलगोजे जैसे पति का मना किए हैं। आपके लिए तो हमारा पूरा ठेला हाजिर है। अरे बल्लू, तुम कितने अच्छे हो, काश हमारे पति भी तुम्हारे जैसे समझदार होता। हाँ भाभी जी, काश हमारी पत्नी भी आपके जैसी सुंदर होती। अरे अरे भाभी जी, हम कह रहे हैं कि आप बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। अरे क्या बताएं बल्लू, इतना निकम्मे पति मिला है कि पूरी जिंदगी नरक हो गई। कोई काम धाम तो करे नहीं है, दिन भर पड़े पड़े सोफा तोड़े करे थे, बड़ी मुसीबत है। अरे भाभी जी, आप इतना परेशान है तो आप दूसरी शादी काहे नहीं कर लेती हैं? अरे क्या मजाक कर रहे हो बल्लू, अभी उम्र में हमसे कम शादी करिए। अरे भाभी जी, नजर उठा के तो देखो, हो सकता है आसपास कोई राजकुमार आपका इंतजार कर रहा हो। राजकुमार तो नहीं, पर एक हड्डी वाला खनखजूरा दिख रहा है। ए महिलू, भाभी जी का परेशान ना करो। भाभी जी आप बताओ, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? अरे बल्लू, एक परेशानी हो तो बताओ, ये तो परेशानी का पहाड़ है पहाड़। घर में खाने की सब्जी नहीं है और बच्चे की स्कूल की फीस भी जमा करना है, क्या करें ना? बस भाभी जी, इतनी सी बात, सब्जी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठेला आपका है, जितनी मर्जी उतनी सब्जी ले जाओ। और रही बात बच्चे की स्कूल की फीस की, आपका बच्चा हमारा बच्चा, बात तो एक ही है। अच्छा, तो इसी बात है, तो समय की एक एक किलो सब्जी पैक करा दो। हाँ भाभी जी, एक मिनट। और सबसे महंगा का है? नींबू, नींबू सबसे महंगा है। हाँ तो नींबू 2 किलो कर दियो, उसका अचार बनेगा। ये लो भाभी जी, 2000 है, सोनू की फीस जमा कर देना। और कह देना पापा ने, मतलब नहीं चाचा ने कहा है कि मेहनत से पढ़ाई करें। अरे बल्लू तुम बहुत अच्छे हो, ये ले। मालिक, ओ मालिक, क्या हुआ, एक का चुम्मे में गिर गयो? अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।